फ्रेंड्स, आई एम वैशाली, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मैं जितनी भी वीडियो का नया जितनी वीडियो अपलोड होती है उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है होस्ट एंड गेस्ट, कन्वर्सेशन विद अ गेस्ट। आपने अपनी लास्ट क्लासेस में काफी चीज कवर करी है, देखिए टाइम वर्ड है, बेसिक नॉलेज में भी आपने कई चीजों को सीखा है, डेली शेड्यूल, मदर शेड्यूल, सभी जितने भी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी सबको कवर कराए। तो आज जो है हमारी जो आज की क्लास है वो बहुत ही यूजफुल क्लास है। तो आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो होगा कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करेंगे, किस तरह से आप बातचीत करेंगे उससे, इंग्लिश में हम किस तरह से उससे बातचीत करेंगे, या फिर ऑन द अदर हैंड जो अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो हम भी गेस्ट बन के जा रहे हैं तो हमें किस तरह से इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी है। तो वो ही कन्वर्सेशन आज हम सीखेंगे गेस्ट एंड होस्ट के थ्रू। ओके, तो सो प्लीज दिस वीडियो इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एवरीवन, सो प्लीज वॉच इट टिल इवनिंग, टिल लास्ट। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सपोज दैट आपके घर गेस्ट आए, आपके घर गेस्ट आए हैं और आप जो है अंदर बैठे हैं, तो गेस्ट आ रहा है, वो गेस्ट जो आपके डोर को नॉक कर रहा है बोल रहा है एनीबडी होम। तो गेस्ट है वो नॉक करके बोल रहा है एनीबडी होम, कोई घर पर है तो कैसे बोलेंगे वो एनीबडी होम। सपोज दैट आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे एनीबडी होम। आपके घर गेस्ट आए, अब उसने बोला एनीबडी होम, तो जो आप जो होस्ट है वो अंदर बैठा है, जो आउटसाइड है उसके लिए बोलेगा हु इज देयर, वहां कौन है। लेकिन एनीबडी होम तब आप बोलेंगे, मतलब होस्ट बोल रहा है हु इज देयर, वहां कौन है। अब आउटसाइड से जो हमारा साउंड कर रहा है, आउटसाइड वाला जो हमारा पर्सन है वो बोल रहा है इट्स मी, अपना नेम लेकर बोले मैं हूँ, इट्स मी। सपोज इट कोई भी नेम लिख दीजिए, इट्स मी रिंकू, मैं रिंकू हूँ। ओके, बोल रहा है इट्स मी रिंकू। अब आपको पता चल गया रिंकू आपके घर आए, इतने में आप जो है बाहर तक जाएंगे, गेट पर जाएंगे, लेकिन गेट पर जाते हुए आप बोलेंगे आई एम जस्ट कमिंग। आप यहाँ बोल दीजिएगा, एक्ट कर दीजिएगा आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। इतने में आप चले जाएंगे, जैसे ही आपको गेट खोला है आप बोलेंगे रिंकू नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। ये फर्स्ट चैप्टर में सीखी थी आपने सारी कन्वर्सेशन, नाइस टू मीट यू। अगर गैस से बोल रहा है लेजर इज माइन, लेजर इज माइन। ओके, इतने में आप बोलेंगे कम इन एंड हैव अ सीट प्लीज, अंदर आइए और प्लीज बैठ जाइए, कम इन हैव अ सीट प्लीज। ओके, अब वो बोलेगा जो गेस्ट है, आपने उसको बैठने के लिए बोला, जो गेस्ट है वो बोले ओके थैंक्स, हाउ डू यू डू, जी धन्यवाद आप कैसे हो, जी धन्यवाद आप कैसे हो, हाउ डू यू डू या हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। अब आप उसको आंसर बोलेंगे, होस्ट जो है वो बोल रहा है आई एम गुड एंड यू, मैं अच्छा हूँ और तुम बताओ, आई एम गुड एंड यू। ओके, कैसे बोल रहा है आई एम गुड एंड यू, और जो गेस्ट है वो बोल रहा है, आपने पूछा ना आई एम यू, तो वो बोल रहा है आई एम प्रीटी गुड, मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, आई एम प्रीटी गुड थैंक यू, धन्यवाद मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद का क्योंकि आपने भी उसके बारे में पूछा, आपने उसका ख्याल रखा, इसलिए वो बोल रहा है थैंक यू, आई एम प्रीटी गुड एंड थैंक यू। ठीक है, अब जो होस्ट है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है गेस्ट से, हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है, मतलब परिवार कैसा है, ठीक ठाक, उसके हाल चाल पूछ रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, हाउ इज योर फैमिली, बोलो हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है, हाउ इज योर फैमिली। ओके, जो गेस्ट है वो बोल रहा है एवरीथिंग इज गुड इन माई फैमिली, एवरीथिंग इज गुड इन माई फैमिली। देखिएगा, एवरीथिंग इज गुड इन माई फैमिली, मेरे परिवार में सब अच्छे है, एंड वेयर इज योर फैमिली, और तुम्हारी फैमिली कहाँ है, आपकी फैमिली उसको दिख रही है, तब वो बोलेंगे वेयर इज योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। ओके, नजर नहीं आ रही है तो बोले वेयर इज योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, ये बोल दो आई एम यू, आपने बोला ना हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार किस में, बोले एवरीथिंग इज गुड इन माय फैमिली एंड यू एंड व्हाट अबाउट यू, यानी तुम्हारी फैमिली कैसी है, आप भी बोलेंगे ऑल इज वेल, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, आप इसका आंसर बोलेंगे माय फैमिली हैज गॉन टू आगरा, है मैंने आगरा बोल दिया है, तो फैमिली हैज गॉन टू आगरा, मेरी फैमिली आगरा गई है। अगर घर पर ही तो बोल दो एवरीथिंग इज एट होम, घर पर ही ये सब, माय फैमिली हैज गॉन टू दिल्ली आगरा, माय फैमिली हैज गॉन टू अ मैरिज पार्टी। ओके, जहाँ
भी गई हो वहां बोल दीजिएगा। ठीक, इतनी बार होस्ट ने बोले, गेस्ट ने आपसे सब क्वेश्चन करा था, होस्ट ने आंसर दे दिया, माय फैमिली हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, यहाँ पर आप जो आपकी मर्जी के लिए वो अपना ऐड कर दीजिए, मतलब जहाँ भी आपकी फैमिली गई हो आपको वहां वो चीज ऐड करनी है। ठीक है, होस्ट ही आप उससे क्वेश्चन कर रहा है, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई इतनी सारी कन्वर्सेशन हो गई, गेस्ट के आए हुए, अब आप उससे भी तो कुछ उसके लिए ऑफर करोगे ना। तो ऑफर किस तरह से करते हैं, हमने ऑफरिंग फॉर गेस्ट चैप्टर में सीखा था, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक ग्लास पानी लेना पसंद करोगे। कैसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये जो होस्ट बोला है गेस्ट से, होस्ट जो है गेस्ट से पूछ रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी गेस्ट जब चाहिए तो बोलेगा श्योर, और नहीं चाहिए तो नो थैंक्स, बट यहाँ हमने बोल दिया श्योर, अब चाहिए तो बोलेगा थैंक्स, श्योर थैंक्स। ओके, अब यहाँ गेस्ट है, होस्ट बोल रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करोगे। यहाँ पर आपको चॉइस बोलना है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी। ओके, अब यहाँ डबल करके बोल दिया, चाय टी और कॉफी में आपको जो भी चीज चाहिए वो आप बोल दीजिए, एंड आप उसने इतना ही क्वेश्चन करा टी तो आप बोल दीजिए या श्योर, चाहिए आपको तो बोल देंगे या श्योर, और जब मिल जाएगी तो थैंक्स बोल देंगे। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, नहीं चाहिए तो नो थैंक्स बोल दीजिए। ऑफरिंग फॉर गेस्ट में हमने काफी सारे आंसर सिखाए थे, आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव टेकन टू माय फ्रेंड। ओके, बट यहाँ पर आपने चाहिए भाई गेस्ट है तो श्योर थैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो होस्ट है वो बोले सम मोर नमकीन प्लीज, अक्सर होता है हम थोड़ा सा शार्ट फील करते हैं, एकदम शर्म महसूस करते हैं, अच्छा सा फील नहीं करते, कहीं जाते तो हमसे बाहर कोई कहता है थोड़ी नमकीन लीजिए ना, थोड़े बिस्किट लीजिए ना, तो हम इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलना है सम मोर नमकीन प्लीज, सम मोर नमकीन, थोड़ी नमकीन लीजिए ना, सम मोर नमकीन, सम मोर बिस्किट, जो भी आपको उसमें है अपने नाश्ते में रखा है वो बोलेंगे। अब इतने बोलेगा नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। अब यहाँ वो कोई बार बार मना कर रहा है, थोड़ा सा ट्राई फील कर रहा है, आप उसको बार बार उसको अच्छा महसूस करना है, इसलिए बोलेंगे बी कंफर्टेबल, आराम से हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, या फिर आप उसको बार बार ये बोलेंगे फील एट होम, अपना ही घर समझो। इस तरह से रहने पर जो गेस्ट है वो काफी अच्छा सा रिएक्ट करता है, काफी अच्छा फील करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे फील एट होम, बी कंफर्टेबल, इन दोनों सेंटेंस का यूज हम बीच बीच में करते रहते हैं ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे। अब देखिए गेस्ट बोला है व्हाट हैपेंड इन योर स्टडी, इस तरह से हम जो है जितने भी क्वेश्चन है हम आपस में कन्वर्सेशन करते रहेंगे। देखिए अब गेस्ट ने क्वेश्चन करा है व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडी, आपने अपनी पढ़ाई में क्या कर लिया है, व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडी, आपने अपनी पढ़ाई में क्या कर लिया है। होस्ट बोला है आई हैव डन 12th, मैंने इंटर कर लिया है। ओके, व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई में क्या कर लिया है, तो आई हैव डन 12th, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन, जो भी आपने कर लिया है वो बोल देंगे। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन जो है बढ़ते रहेंगे। अब उसने बोला व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडी, सपोज इट आपने आंसर दे दिया आई हैव डन 12th, ठीक है आई हैव डन 12th एंड यू, अब आप उससे पूछेंगे एंड यू और तुमने, ठीक है तो आप यहीं पर क्वेश्चन करेंगे आई हैव डन 12th एंड यू और तुमने, आप भी आंसर दे देंगे आई हैव डन, यानी जो भी आपने कर लिया है वो आप अपनी स्टडी के बारे में बता दीजिए, आई हैव डन ग्रेजुएशन या आई हैव डन 10th 11th 12th। ओके, अब देखिए इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे, अभी हाँ उसने कर लिया, अब उसकी मर्जी है आपसे और भी अगर क्वेश्चन कर लिए तो और अधिक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर गेस्ट ने क्वेश्चन करा था व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडी, आपने आंसर दे दिया आई हैव डन एंड यू करके भी उससे क्वेश्चन कर लिया, वो भी बता देगा, आप यहाँ बोलेंगे। अब जो गेस्ट है वो बोल रहा है एंड व्हाट आर यू डूइंग, पढ़ाई में कर क्या रहे हो, डन तो हो गया भाई, क्या कर लिया, कुछ कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडी,
जो भी आप कर रहे हैं एनएससीडी में, आपने कोई अदर कोर्स कर रहे हो, सपोज दैट आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हो, स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, तो बोल दीजिए आई एम परफॉर्मिंग ट्रिपल सी कोर्स, आई एम परफॉर्मिंग ट्रिपल सी कोर्स, या आई एम परफॉर्मिंग स्पीकिंग कोर्स। ओके, आपको पूछ रहा है ट्रिपल सी कोर्स क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे बोलेगा, व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स, व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, जो भी आपने यहाँ कोर्स बताया है वो इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स, तुम ये कोर्स क्यों कर रहे हो। आंसर इसका आपने भी सेल्फ इंट्रो में सीखा था, आई एम डूइंग दिस कोर्स because I want to get a good job. मैं ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे आप, I am doing this course because I want to get a good job. ये क्वेश्चन ही वाला तो आंसर ही हमने सेल्फ इंट्रो में सीखा था, ये भी हमने सेल्फ इंट्रो में सीखा था, ये सारे क्वेश्चन जो हमें लास्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक इसमें कुछ भी आपको कन्फर्म नहीं हो रहा है तो आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए काफी सारी कन्वर्सेशन हुई है हमारे गेस्ट होस्ट के बीच में, अब जो है हमारा गेस्ट जो है वो जाएगा, वो जाने के लिए पूछेगा, तो देखिए किस तरह से पूछना है। वो कुछ शायद देखेगा, ओके I am getting late by nice meeting you. Okay, I am getting late by nice meeting you. कौन सा बोल रहा है, कोई गेस्ट जो है वो हमारा, दोनों पॉइंट एक साथ बोलेगा, Okay, I am getting late by nice meeting you. ठीक है मुझे देर हो रही है, ओके अपने बॉस में टाइम कितनी बोली, Okay, I am getting late by nice meeting you. आंसर मिलेगा आपके लिए बाय बाय नाइस मीटिंग यू, यानी जो होस्ट है वो बोलेगा बाय बाय नाइस मीटिंग यू टू, ठीक हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, आपका दिन अच्छा गुजरे और अपना ख्याल रखना, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। इस तरह से जो हमारी गेस्ट एंड होस्ट की जितनी भी कन्वर्सेशन थी वो हमने इस थ्रो पे इसके जरिए कर ली। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है आप इतने ही क्वेश्चन करें, आपको जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हो सब आप इस तरह से पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं गेस्ट जाएगा, यहाँ पर हमने इसके लिए बोल दिया है वो क्या है बाय नाइस मीटिंग यू, सपोज देखो आपके घर स्टोरी लिया है, हेडिंग लिया है, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे, फिर तो हमारी कन्वर्सेशन चलती रहेगी, डिनर कराएंगे वो सोएगा भी सुबह को, मॉर्निंग में फिर ब्रेकफास्ट, वो तो हमारी उसका रूटीन है वो कर लेगा, बट यहाँ जो हमने अपने जो कन्वर्सेशन में गेस्ट है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया है, यहाँ पर हमने गेस्ट जो है हमारा जा रहा है, तो ओके आई एम गेटिंग लेट बाय नाइस मीटिंग यू, और होस्ट ने बोल दिया बाय बाय नाइस मीटिंग यू टू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। ओके, तो इसके जरिए आप अपने गेस्ट के घर गेस्ट बन रहे हैं या आपके घर कोई गेस्ट बनकर आया है तो आप उससे इस तरह से कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर इसको पसंद आई हो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय